नगर निगम के वार्ड क्रमांक 72 के कंचन विहार में जबलपुर जिले सहित वार्ड क्रमांक 72 के सभी सामाजिक संगठनों एवं क्लबों के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंकुर अभियान मनाया गया, जिसमें सभी ने मिलकर हरियाली तीज मनाई। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 72 से भाजपा की नव निर्वाचित पार्षद अर्चना सिसोदिया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी समितियों, संघों एवं संगठनों के पदाधिकारियों ने नव निर्वाचित पार्षद को बधाई देते हुए वार्ड का चहुमुखी विकास करते हुए जन समस्याओं का निराकरण करने की अपेक्षा जताई। साथ ही सभी ने वार्ड को उच्च शिक्षित, समाज सेवी, मृदुभाषी पार्षद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार जताया। हरियाली तीज की बहुत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी लोग इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। अत्यंत खुशी की बात है और जुलाई महीने में अभी अभी नए नए सभी नवनिर्वाचित पार्षद लोग भी चुनकर आए हैं। ऐसी हमारी बहन आदरणीय श्रीमती अर्चना सिसोदिया जी, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देती हूँ कि अत्यंत संघर्ष के साथ वो 72 नंबर एक दादा टंडन पाल वार्ड से भारी बहुमतों से जीत कर आई है। निश्चित है कि जितना संघर्ष, जितनी मेहनत उनकी है, उतना ही आप सब लोगों का साथ उनके साथ है, इसलिए आज वो पार्षद पद पर आए हैं। कचनार क्लब में वार्ड नंबर 72 में हम सब ने नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती अर्चना सिसोदिया जी का, पूरे समिति संगठन और संगठनों ने उनका स्वागत किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने वार्ड नंबर 72 को ऐसा पार्षद प्रत्याशी दिया। यहाँ की जनता ने उनको बहुत अच्छे मतों से जिताया। साथ ही यह हम आग्रह करते हैं कि वो अपने वार्ड में वार्ड को सुजल, स्वच्छ, स्वस्थ, सलामत और समृद्ध वार्ड बनाएंगी। इस दिशा में हमारा आग्रह है कि वह बहुत अच्छा काम करें और क्षेत्र की जनता उनका निरंतर सहयोग देती रहे। आज हम सभी वार्ड क्रमांक 72 की नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती अर्चना सिसोदिया जी के, जो उन्होंने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से अर्चना सिसोदिया जी सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहती हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहती हैं, हम सभी चाहते हैं कि वो निरंतर अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें और लगातार इसी तरह ऊंचाइयों को प्राप्त करें। वो वेल एजुकेटेड महिला हैं, हम सभी चाहते हैं कि वो बहुत ही आगे जाएं और नगर निगम में अच्छे दायित्वों का निर्वहन करें।